एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक मुरसान में स्थित नगला लंची गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 11 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर ही है। लगभग 2200 की आबादी व 1150 वोटरों द्वारा राजवीर सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 380 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 154 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा एक हैंडपंप को रिवोल्व भी कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 30 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 216 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान नंगला लच्छी चौधरी राजवीर सिंह ब्लॉक मुरसान जिला हाथरस से। हमने जो अपने ग्राम पंचायत में जो कार्य कराया है वो 216 शौचालयों का निर्माण हो चुका है और आगे काम जारी है। और ग्राम निधि मुझसे जो है वित्त से और राज्य वित्त से जो हमने जो काम कराया है उसमें 7 सड़कें हैं और नाली है, पक्की एक नाली है। और जो मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य हुए उनमें 3 चक्रोड़ों पर मिट्टी है और 3 नाली खुदाई का भी हुआ है। हमारी ग्राम पंचायत में यानी कार्य क्षेत्र तो ज़्यादा है मगर उसके लिए बजट कम थी है। तो सरकार से हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि बहुत मतलब काफ़ी समस्या ऐसी हैं इनके लिए बजट की अति आवश्यकता है। तो जैसे कि हमारे पंचायत में पानी निकासी के लिए एक पक्की नाली का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कच्ची नालियों से काम नहीं निकल रहा है। और उसके लिए जैसे एक गांव से दूसरे गांव के लिए जो रास्ता जाता है उसके लिए जो डावा सड़क है वो वैसी की वैसी कच्ची है, उसमें गड्ढे, उसमें वो जो डावर सड़क होनी चाहिए। और जो नल हैं सभी नलों का वो जो जल स्तर नीचे चला गया है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट की अति आवश्यकता है। इसलिए वो जो है अब हर परिवार को और जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थानों पर जितने भी नल लगे हुए और उन पर वो जो है पानी नहीं है तो उसके रिबोर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को बजट देने की अति आवश्यकता है। और मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारे जो ग्राम पंचायत में और कई जगह काफ़ी मैंने मतलब परेशानियाँ ऐसी आ रही हैं कि बहुत मतलब कीच है कि कीच भरी हुई है और गड्ढे, सो वहाँ से यानी बाहर का तो निकलना बहुत दूर है, पैदल भी नहीं निकला जाता है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उन्हें मतलब ये उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत में मतलब बजट दे करके उन सभी समस्याओं का समाधान करें। देवी मम्मी मुनीषा देवी, हमारा मकान है टूटा फूटा, हमारा हमें बारिशों में और ठंडों में बहुत तकलीफ होती है। हमारे प्रधान जी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं पर हमें मकान के लिए मैं शीलेंद्र भारद्वाज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला लच्छी और ग्राम सभा नगला लच्छी विकास क्षेत्र मुरसान जनपद हाथरस से बोल रहा हूँ। जो हमारे यहाँ के प्रधान जी श्री राजवीर सिंह जी जो हैं बहुत ही कर्मठ व्यवहार कुशल प्रधान जी हैं जिनके द्वारा ग्राम सभा में काफ़ी विकास
विकास से संबंधित जो भी सरकारी योजना है उनको बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है और विद्यालय में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, काफ़ी देख रेख करते हैं। अब इस समय तो फिर हमारे विद्यालय की जो परीक्षाएं हुई हैं बच्चों की, तो बच्चे भी अब आज से नहीं आ पा रहे और ये इस समय कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है, रिजल्ट बच्चों का तैयार हो रहा है। मतलब वो काम कराने के लिए और बाकी जो है प्रधान जी जो है विद्यालय में कुछ जो है थोड़ा सा कार्य अपूर्ण है उसे पूरा कराने की कह रहे हैं और दो चार दिन में शायद वो पूरा करा ही देंगे ऐसी, और हमें भी आशा है। और काफ़ी कर्मठ और बहुत अच्छे प्रधान हैं, ऐसे प्रधान हर ग्राम पंचायत को मिले।